ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मैम क्या सेक्स टॉयज को यूज करना या फिंगर्स को यूज करना सेफ है, क्या करना चाहिए? और जो लोग करते हैं कभी वो लोग उन्हें हॉ कंसिडर करते हैं, जानते हैं कि क्या सोसाइटी के टैबोज हैं, क्या यूज करना चाहिए, सेफ्टी के क्या प्रिकॉशंस हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप यूज करते हैं, सबके बारे में बात करूंगी। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्स काउंसलर हूँ। पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है, तो वीडियो आप अंत तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार आपको ही देना है। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्स टॉयज या उसकी फैंटेसीज और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखिए, मेल्स और फीमेल्स दोनों सेक्स टॉयज यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई एज का पैरामीटर नहीं है। एज सून एज यू फील सेक्सुअल इरेक्शन एंड यू फील इट इज सेफ टू बाय देम एंड कीप इट, यू कैन यूज सेक्स टॉयज। सेक्स टॉयज बहुत अलग अलग कैटेगरीज के और बहुत तरह के ब्रांड्स के और बहुत लेट्स से अलग अलग मटेरियल्स के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सेक्स टॉयज को यूज़ करना बहुत सेफ है और सेक्स टॉयज को आप अपनी इंजॉयमेंट, अपनी फैंटेसीज के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले समझिए कि अगर आप फिंगर्स को यूज़ करते हैं, जैसे फीमेल्स यूजली फिंगरिंग करते हैं या फिंगर को यूज़ करते हैं, तो ऐसे में उसका क्लीन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेल्स आपके कट होने चाहिए, ब्लंट होने चाहिए, शेप होने चाहिए, ताकि वो आपको पेन ना करें। बहुत बार जब क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन फीमेल करती है, जिसे हम कहते हैं कि अपने लोअर लिप्स के साथ खेलती हैं, तो क्या होता है कि वो नेल्स चुभते हैं या वजाइनल फिंगरिंग करती हैं, पेनिट्रेटिवली करती हैं, तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। या फिर जब सेक्स टॉयज यूज करते हैं तो उनका क्लीन होना उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार हम रात को कर रहे हैं सेक्स टॉयज को यूज और फिर ऐसे ही सो गए, क्योंकि सेक्स करने के बाद नींद भी बहुत जोर से आती है, तो आप ऐसे ही सो गए, आपने ध्यान नहीं रखना है अपने हाइजीन का, उसी सेक्स टॉयज को फिर नेक्स्ट डे यूज किया, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लीनिंग द टॉय इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टॉयज यूज करते हैं, जैसे फीमेल वाइब्रेटर्स हैं या जो मेल में वाइब्रेटर्स आते हैं, उन्हें अगर आप यूज करते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, तो हमेशा उनके इलेक्ट्रॉनिक जो आप जहां से आप सप्लाई कर रहे हैं या चार्जिंग का है, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तीसरी बड़ी चीज़ है उनके मटीरियल का। कभी कभार हम ऑनलाइन बाय कर लेते हैं, लेकिन हम मटीरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं या श्योर नहीं होते हैं, तो हमेशा एक सॉफ्ट कंफर्टेबल मटीरियल को ही आपने सेक्स टॉयज के लिए यूज करना है। बहुत तरीके के सेक्स टॉयज आते हैं और बहुत जल्दी मैं वीडियोस बनाऊंगी मेल और फीमेल के, किस तरह के सेक्स टॉयज इंडिया में अवेलेबल हैं या आप कहां से उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, या अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट पे ही वो वीडियो मैं बनाऊंगी। और सेक्स टॉयज को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरा परसेप्शन जाने, देखिए अगर आपको सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं तो आप डेफिनेटली किसी लड़की की लाइफ खराब करें या किसी लड़के के साथ फन करें और उसके इमोशंस के साथ खेलें, या फिर आप पेड सेक्स कर रहे हैं और फिर आप अनसिक्योर हैं, आप अनप्रोटेक्टेड कर रहे हैं, आगे आगे आपको भी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में किसी सेक्स टॉय पे इंडल्ज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वो इंटरेस्ट देता है और आपको वो सेफ्टी दे रहा है, आपकी सेक्सुअल फैंटेसीज को भी पूरा कर रहा है, देन इट्स एब्सोल्युटली सेफ। इट इज अप टू योर चॉइस कि आप कितना उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी, अपना हाइजीन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज करते हैं, उनके बाद बहुत ज्यादा ना बटन्स होते हैं, मे बी स्लो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, उनका आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी जो मसल्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं लूज और ल्यूब्रिकेट करता है। हाँ, अगर मैं ल्यूब्रिकेशन की बात करूँ तो एक अच्छा ल्यूब यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सेक्स टॉयज ना, क्योंकि वो मटीरियल्स के तो है नहीं जो कि डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगी या ऑर्गेज्म प्रोड्यूस करेगी, तो है तो रबड़ का कोई मटेरियल या सिलिकॉन मटेरियल, तो क्या है कि ल्यूब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑयल्स या जेल, स्पेशली जो वाटर बेस्ड ल्यूब्स हैं यूजली टॉयज के साथ आती हैं, उन्हें यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है। इससे आपको पेन या रेडनेस स्पेशली आपके पेनाइल एरिया में या वजाइनल एरियाज में नहीं होगी। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक डॉक्टर नेहा को प्यार आपने देते रहना है, बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है,
लाइक करें, शेयर करें और साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा नया चैनल साइकोलॉजी सीखो को सब्सक्राइब जरूर करें और पर्सनली जुड़ने के लिए www.drnehamehta.com। बहुत जल्दी एक और वीडियो, जुड़े रहो।